हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेवल टू उत्तराखंड विद संजय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बड़ी खबर लेके आया हूं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी चार धाम यात्रा और केदारनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चार धाम यात्रा से लगी रोक को हाईकोर्ट ने वापस ले लिया है। दोस्तों ये एक खुशी का विषय है। अगर आप उत्तराखंड में आ रहे हो चारधाम यात्रा करने या फिर बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करने, तो ये आपके लिए एक बहुत खुशी का विषय है। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने हमारा अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का स्विच ऑन जरूर कर दे, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर लंबे समय से लगी रोक पर गुरुवार को सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया है। आपको बता दें कि 26 जून को नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। हालांकि उस दौरान नैनीताल हाई कोर्ट ने तर्क दिया था कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधित सुविधाएं और व्यवस्थाएं मुकम्मल नहीं है, जिसके बाद से ही चारधाम यात्रा पर रोक बरकरार थी। यही नहीं, चारधाम यात्रा को संचालित किए जाने को लेकर राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अधिक समय लगने की वजह से राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर SLP को वापस ले लिया था और 10 सितंबर को हाई कोर्ट में अनुरोध पत्र दाखिल किया था, जिस पर हाई कोर्ट ने 16 सितंबर को सुनवाई की बात कही थी। लिहाजा 16 सितंबर को हाई कोर्ट में चारधाम यात्रा को लेकर हुई सुनवाई पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए लंबे समय से चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया है। ऐसे में अब आप जल्दी ही चारधाम यात्रा शुरू हो सकती है। उच्च न्यायालय ने चारधाम यात्रा पर लगाई रोक को कुछ प्रतिबंधों के साथ हटा दिया है। मुख्य न्यायाधीश की खंड पीठ ने केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 800 भक्त या यात्रियों, बद्रीनाथ धाम में 1200, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में कुल 400 यात्री जाने की अनुमति दी है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि न्यायालय ने हर भक्त या हर यात्री को कोविड निगेटिव रिपोर्ट और 2 वैक्सीन का सर्टिफिकेट ले जाना होगा। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान आवश्यकता अनुसार पुलिस फोर्स लगाने को कहा है। भक्त किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकते। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चारों धामों में गर्म कुंड पड़ते हैं। अगर आप यात्रा में आते हो तो आपको किसी भी कुंड में स्नान करने की अनुमति नहीं मिलेगी। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर यात्रा से संबंधित या चारधाम यात्रा, केदारनाथ यात्रा या फिर बद्रीनाथ यात्रा से संबंधित आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर संपर्क कर सकते हो। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हरिद्वार ऋषिकेश में हमारा टैक्सी सर्विस का काम है। अगर चारधाम यात्रा और केदारनाथ यात्रा पूरे उत्तराखंड में कहीं की भी आपको यात्रा करनी है, अगर आपको टैक्सी सर्विस की आवश्यकता है, तो इस टाइम जो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप इन नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हो और अपनी बुकिंग करा सकते हो। मैं संजय कुमार हरिद्वार उत्तराखंड से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। नमस्ते मित्रों, जय केदार।